वेलकम द नोटर, मेरे को शामदील कहते हैं। और आज कस्टमर हमें ये सैंपल देखे कि आज ये सैंपल तैयार करना है और कोशिश करेंगे इस सैंपल से जो बेहतर है हम अच्छा काम करें और उनको ताकि उनको पसंद आए। हमारे पास जो कलर के कॉम्बिनेशन है वो है जी दो रंगों का, आपको दिखाते हैं जनाब। ये कलर है इसमें, लेकिन इसमें तो मल्टी कलर है ना, इसलिए वो थोड़ा सा नाइस भी लग रहा है। हमारे पास सिर्फ ये दो कलर हैं, ठीक है। इस दो कलरों में हमने क्या करना है, तैयार करेंगे और किस तरह तैयार करेंगे। सबसे पहले जो तरीका होता है, आपने गला जो है ना वो कटिंग कर लेना है इस तरह, ठीक है। इस तरह गला कटिंग कर लेना है, देन उसके बाद क्या करना होता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे बाद में। गला कटिंग करने के बाद आपने किनारे पे पैर पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है। पैर पैर की सिलाई लगा देनी है मुकम्मल। अगर वीडियो देखनी है पैर पैर सिलाई लगाने के बाद, फिर आपको बताएंगे। मुकम्मल वीडियो देखनी है तो आपको हमारे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, देन फिर वहाँ पे जाके देखिएगा। फिर यहाँ पे रख के हम इसी तरह जो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका नीचे से अक्स नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह हम इसको जो है ना वो सिलाई लगाएंगे आमने सामने रखते हुए। इसको कौन बनाएंगे, इस तरह आपने समोसे बनाने काफ़ी सारे जो गलाई के साथ आएंगे। और यहाँ पे इन्होंने पैर चोरी पैपिंग की है, लेकिन हम डोरी पैपिंग करेंगे ताकि खूबसूरत तरीके से थिक के साथ गला जो है वो गलाई के घूम के बैठ सके, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर हमारा तरीका आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट्स में बताइएगा इसमें क्या गलती थी, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब आपने बताया क्या करना है, अब आपने पेपर के ऊपर रख के दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी, जिस तरह मैंने सिलाई लगाई है इसी तरह आपने जो है ना पेपर को दोनों तरफ सिलाई लगानी है, ताकि पेपर जब आप डिज़ाइन करते हो ना तो पेपर उखरे ना, ठीक है। इसके साथ जो इसकी थिक होती है वो उतर जाती है बाद में, ठीक है। अब जो थिक ख़त्म ना करने के लिए हमें जो है इसको डबल सिलाई लगाएंगे। ये सिलाइयाँ वैसे भी छुप जाएंगी, ठीक है, ये नज़र तो आएंगी नहीं, इसलिए इसको हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके साथ साथ एक तो हमें वो किनारी नज़र आएगी जहाँ तक अपने काम करना है। उसके बाद जो है काम हम कहाँ पर करके स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें जो होती है पॉइंट वाली चीज़ होती हैं, ये आपको समझनी पड़ती हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं और इसी तरह हमेशा आप काम किया करें, ठीक है, थैंक यू। अब देखें आगे क्या करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह जो है ना आप आस्ते आस्ते करके समोसे लगाते जाएंगे, जो कौन सी बनाते हैं उसको समोसे बोल देते होते हैं आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। इसी तरह लगाएंगे और जब आपके यहाँ पे किनारे पे आ जाएगा तो आपने थोड़ा सा उसको स्टॉप करके सिलाई मशीन की जो सुई होती है नीडल, उसको आप नीचे करेंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह रख के आपने इसको जो है वो दोबारा सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह जो है वो आपकी एक चीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना हमारे इधर एक और समोसा लगेगा, क्योंकि अभी इधर स्पेस है एक साइड पे, सेंटर से हमने शुरू किया था। ये देखिए ये सेंटर है इसका, और पहले सिलाई लगाई थी फिर हमने ये रख लिया। अब इस तरह कपड़ा भी नहीं उठेगा और नीट तरीके से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो हम ये भी डिज़ाइन जो है नाइस लगेगा, बाहर की तरफ जो है वो टर्न कर देंगे और नया डिज़ाइनिंग हमारी नई लुक तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप कोई डिज़ाइन इसके मुताबिक तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको सिलाई लगा लें नीट तरीके से, ठीक है। और जब आपका इधर सिलाई आ जाएगी तो आपने पीस को सुई नीडल नीचे रख के अपने अगले पीस को इस तरह रखना है ताकि बॉक्स के साथ इसका जो बॉक्स है वो बॉक्स बन जाए, ठीक है। इस तरह आपने रख रहे हैं बॉक्स, और इस तरह आपने जो दोबारा सिलाई लगाते साथ इस तरह सारे जो है बॉक्स आस्ते अटैच करने हैं, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स इसी तरह, ठीक है। लो जनाब ये जो है ना मुकम्मल हो चुका हुआ है, इस तरह गुलाइयाँ आ गई हैं। अब इसके बाद जो है अभी हाफ साइड रहती है, हाफ हमने किया इस तरह रख के, वाटर के साइड आपने देख लिया हुआ है। अब जो है ना इसको
मुकम्मल तरीके से तैयार करेंगे, इस तरह बॉक्स बनाते जाएंगे साथ साथ और तैयार करते जाएंगे जनाब। लो जनाब ये हो गया मुकम्मल, ठीक है। इसकी आप फिनिशिंग देख लें, इसकी आप नीटनेस देख लें और धागे शागे जो है ना वो कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना इसको जिस तरह चाहे आप उस तरह डबल डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप तैयार करना चाहें जैसे ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बॉक्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ये गले के अंदर समोसे निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। अगर दूसरी साइड बाहर रखना चाहते हैं इस तरह कर ले। अगर दोनों मुतबादल रखना चाहते हैं कि एक इस तरफ हो और दूसरा उस तरफ हो तो ये भी सीन आप कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह हो इस तरह हो, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह चाहे इसको डिज़ाइन कर लें। लेकिन हमें जो है वो सैंपल जो दिया गया था यहाँ पर एक पल्स लगाकर हम इसको इसी तरह तैयार करेंगे तरीके से जो कि हमें ऑर्डर दिया गया जिस तरह तैयार करने के लिए, ठीक है। थैंक यू। लो जी अब आप बताएं कि ये डिज़ाइन ज़्यादा नाइस है। अभी हमने सारा गुम तरीके से बना दिया हुआ है, ठीक है। और टोटली डिज़ाइन आपको दिखाया, कटिंग कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, हर चीज़ आपसे शेयर की है। अब क्या करना है, यहाँ से धागा पुराएंगे, धागा पुराने के बाद ना यहाँ से पल्स रख के इसके अंदर यहाँ पर आपस में इसे जॉइंट करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी, इस तरह जॉइंट करते जाएंगे आमने सामने से रख के, इस तरह हम इसको जो है जॉइंट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारा बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए सेंटर आ गया, ये हमारा जो सिलाई का निशान था ये सेंटर था, ठीक है, ताकि सेंटर याद रहे हमें, सेंटर ये है। और जोर भी गुम हो जाएगा और सेंटर भी आ गया और कपड़ा भी हमारा लग गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा गुम तरीके से जो है वो सारा काम जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।